हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लाइव। तो आज बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि सीसीएमटी के फीस से रिलेटेड बहुत टाइप ऑफ फीसेस हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें रिफंड होंगी, क्या नहीं होंगी, एडजस्ट क्या होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी क्या है और कौन कौन से टाइप की फीस है। तो यहाँ पे मैंने जैसे सी सी एम टी के 1A 1B दोनों वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस किया, बट यहाँ पे एक बार और देख लो। रजिस्ट्रेशन फी है, सीट एक्सेप्टेंस फी है, SR रजिस्ट्रेशन, स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन फी है, स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी है। और यहाँ पे आपको अमाउंट दिख सकता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जैसे जनरल के लिए यहाँ पे 3000 है और जो SC ST PWD उनके लिए 2500 है। इसके अलावा यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी आप देख सकते हो, जनरल के लिए 30,000 एंड SC ST PWD के लिए 10,000। तो ये वाली फ़ीस का आप यहाँ से देख लेना किसके लिए कितनी है, इसको किस तरीके से ये काम करती है, ये मैं आपको अब बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से काम करती। तो गाइस देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है कि अगर आपको रेगुलर राउंड में बैठना भी है, यहाँ पे अगर मान लो आप बैठना चाहते हो, एक सीट है आपको, अगर यहाँ पे बैठना भी है देखने के लिए कि आपको क्या चॉइसेस मिलेगी, तो ये बैठने के लिए आपको 3000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। इवन मतलब सिर्फ आपको चॉइसेस भरनी है, थोड़ा सा देखना है कैसे क्या हो रहा है, अगर आपको कुछ अलॉट नहीं भी होता है तो आपको 3000 रुपीज आपको यहाँ पे भरने ही होंगे, जो होंगे नॉन रिफंडेबल एज वेल एज नॉन एडजस्टेबल। एडजस्ट भी नहीं होंगे ये किसी भी तरीके की फीस में, तो ये नॉन एडजस्टेबल है। और ये लोग कुछ भी ना सोचे कि अगर आप इसमें दे दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फी, तो आपको स्पॉट राउंड में नहीं देनी पड़ेगी, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे आपने रेगुलर राउंड में 3000 आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये सिर्फ आपका जो रेगुलर राउंड में आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है उसके लिए CCMT आपसे चार्ज कर रहा है ये चीज़ 3000 रुपीज़। इसके बाद अलग बात आती है कि मान लो आपको कोई भी सीट इवन अलॉट भी होती है, आप उसको चूज़ नहीं करते हो, फ्लोट कर लेते हो, स्लाइड कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, तब आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको सिर्फ अलॉट होती है अगर, तो भी आपको 30,000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी पड़ेगी, जिसके साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्या होता है कि अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कि या तो आप काउंसलिंग वहीं के वहीं ख़त्म कर दो कि मूड ख़राब हो गया, अब आगे काउंसलिंग वगैरह नहीं करनी है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है काउंसलिंग, आप बाहर हो जाते हो काउंसलिंग से, कि आपको पूरा लास्ट राउंड तक, मैं बोल रही हूँ रेगुलर राउंड के लास्ट राउंड तक अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आपको लास्ट राउंड तक भी कुछ भी अलॉट नहीं हो तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे ही नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन फी पे करी। इसके बाद देखो अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट ही करते हो तो फिर क्या होता है, अगर आपने स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो पार्टिसिपेशन के टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन फी तो ये मतलब करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको एक पार्टिसिपेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी जिसका अमाउंट होगा 40,000 रुपीज़। अब लोगों को होगा कि मैं 30,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब मुझे 40,000 वापस देने पड़ेंगे क्या? तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ इस राउंड तक आपके पास 40,000 रुपीज़ जमा होने चाहिए। अगर आप 30,000 पहले ही दे चुके हो तो आपको 10,000 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे, बट अगर आपने जैसे कि यहाँ पर नॉट अलॉटेड रहा है आपका ऑप्शन, मतलब आपको कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ी होगी, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ पे 40,000 पूरे देने पड़ेंगे, एज वेल एज आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी भी 3,000 देनी पड़ेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल वैसे ही। और 40,000 रुपीज़ जो आपने अभी तक यहाँ तक जमा किए, तो वो 40,000 ही के, इवन अगर आपने पहले राउंड में 30,000 रुपीज़ जमा किया और बाद में 10,000 किए, तो टोटल आपने 40,000 रुपीज़ जमा किए हुए हैं। ये जो 40,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे जब आप एडमिशन लोगे, इनके साथ स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते या कुछ भी नहीं लेते चॉइस, तो ये पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। बट ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये किसी की भी रिफ़ंड नहीं होगी। इसके अलावा 40,000 रुपीज़ में से कुछ अमाउंट वो काट लेते हैं प्रोसेसिंग फ़ी के उससे, और वो आपके रिफ़ंड होते हैं, लेकिन ये जो रिफ़ंड होगा ये आपके पूरी काउंसलिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद ही होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप स्पेशल राउंड के सारे चॉइसेस भरते हो, तो इसमें जब राउंड 2 में आपको एक ऑप्शन रहता है कि मान लो आपको कुछ भी अलॉट नहीं हो, या तो आपको एक अलॉट हो जाएगी या फिर नॉट अलॉटेड रहेगी। मान लो आपको कुछ भी अलॉट होता है बट आप वो रिजेक्ट कर देते हो, आप वो सीट नहीं लेते, तो आपकी जो 40,000 है ये आपको नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। बट अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो ये 40,000 आपको वापस मिल जाएंगे कुछ अमाउंट काट के। इसलिए आपको बहुत ध्यान से स्पॉट राउंड का काउंसलिंग भरनी है।
इसके अलावा भी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि अगर रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करता हूँ तो जो उसमें रजिस्ट्रेशन किया है उसकी फ़ीस क्या स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन में आपकी एडजस्ट होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं की जाएगी, ये दोनों राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आप रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो उसके रजिस्टर करना पड़ेगा उसको उसमें, एज वेल एज अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको स्पॉट राउंड में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों राउंड में रजिस्टर करूँ, मतलब मैं दोनों में पार्टिसिपेट करूँ, तो आपको दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज़ में, वो है सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्टिसिपेशन फी में, वो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाले स्क्रीनशॉट या ये पूरा आपको फ्लो चार्ट भेज दूँ टेलीग्राम पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भेज दूँगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। ओके, थैंक यू।